अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने प्लस ऑपरेटर को यूज करते हुए दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना सीखा था। इस लेक्चर में हम देखते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर को किस तरह से ओवरलोड करना है। इन जनरल जो कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल है, ये हम यूज करते हैं दो इंटीजर वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ 10 इक्वल्स 20, इसका क्या मतलब है कि क्या 10 और 20 इक्वल हैं या नहीं, मतलब दो इंटीजर वैल्यूज को हम क्या करें, कंपेयर करें। तो अगर हमने दो स्ट्रिंग्स को जो है वो कंपेयर करना हो इस ऑपरेटर को यूज करते हुए, तो किस तरह से देखें। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमने क्या कहा है कि एक ऑपरेटर के एक से ज्यादा मीनिंग डिफाइन करना क्या कहलाता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो अब डबल इक्वल यूज होता है इंटीजर्स को कंपेयर करने के लिए, तो हम दूसरा मीनिंग क्या इसका डिफाइन कर रहे हैं कि हमने डबल इक्वल को यूज करना है दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए। तो बहुत ही सिंपल है, जिस तरह से हमने प्रीवियस कोड देखा था, यही वाला कोड कॉपी कर लेते हैं टाइम को सेव करने के लिए। तो अब प्रीवियस कोड में यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, इस फंक्शन में हमने चेंज करना है, तो फिलहाल इस फंक्शन को हम रिमूव कर देते हैं, बाकी सारा सेम है। अब देखें हमने क्या करना है, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है। अब कंपेयर करना है तो जाहिर सी बात है हमें कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो कंडीशन लगाने के लिए हम इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब जब दोनों स्ट्रिंग्स को हम कंपेयर करते हैं तो हमने आंसर करना है ट्रू या फॉल्स में। तो जो फंक्शन है वो आंसर करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स में। तो जो फंक्शन है उसके दो रिटर्न टाइप्स हो सकती हैं, या तो हम उसके रिटर्न टाइप रख लें बूलियन ताकि आंसर हो ट्रू या फॉल्स में, या हम उसकी रिटर्न टाइप रख लें इंटीजर ताकि हम 0 और 1 रिटर्न कर सकें। 1 मतलब ट्रू और 0 मतलब फॉल्स। तो आप दोनों में से कोई भी जो प्रोसीजर है वो यूज कर लेते हैं। चले हम बूलियन यूज कर लेते हैं। तो बूलियन, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑपरेटर कीवर्ड आ जाएगा, उसके बाद किस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, कंपैरिजन। सिमिलरली स्ट्रिंग कैट, और इधर हम ले लेते हैं एस एस स्ट्रिंग, ठीक है, दूसरी स्ट्रिंग। तो इन दोनों को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है, वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कंडीशन लगाएंगे कि इफ strlen स्ट्रिंग लेंथ ऑफ s डबल इक्वल्स। अब स्ट्रिंग लेंथ ऑफ s क्या करेगा, हमें स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करके बताएगा कि स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंटीजर में है। तो इधर ये कंपैरिजन ऑपरेटर कौन सा है, इंटीजर वाला ही है। तो इसकी लेंथ अगर बराबर है किसके, str लेंथ इनटू किसके, s स्ट्रिंग डॉट s के। तो अगर ये दोनों लेंथ इक्वल हैं तो क्या करो जी, रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो ट्रू, सिंपल, ठीक है, और एल्स रिटर्न कर दो फॉल्स के दोनों इक्वल नहीं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा जो है वो हमारे पास फंक्शन बन गया। इधर आप डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, मतलब अगर इसकी रिटर्न टाइप हम रख लें वॉइड, और इधर आप लिख दें सी आउट बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। चलें ऐसे कर लेते हैं ज्यादा सिंपल करने के लिए, सी आउट बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन लेंथ, ठीक है। और इसी तरह इधर हम रिटर्न फॉल्स की जगह पे क्या कर देते हैं, सी आउट बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ, ठीक हो गया। तो बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ। तो इधर जाके हमने क्या करना है, अब फंक्शन कॉल करना है। तो सेम एज इट इज, जैसे कि मैंने बताया था एस डॉट, मतलब इधर अगर हमारे फंक्शन का नाम होता है जी कंपेयर, तो हमने लिखना था s1 डॉट कंपेयर का फंक्शन, और उसमें s2। s1 वाली कौन सी स्ट्रिंग है, s वाली, और s2 वाली स्ट्रिंग कौन सी है, s स्ट्रिंग वाली। तो इधर हमने क्या लिखना है, इफ सॉरी s1 डबल इक्वल्स s2। तो इसका क्या मतलब है, s1 कॉलिंग ऑब्जेक्ट मतलब s की वैल्यू, और डबल इक्वल्स का इधर क्या मतलब है कि ये वाला फंक्शन कॉल करो और इसको एग्जीक्यूट करो, और s2 वाली स्ट्रिंग कौन सी है, s स्ट्रिंग के अंदर कॉपी होगी। तो प्रोग्राम रन करना है, सिंपली F11 प्रेस करें और स्ट्रिंग काउंट, ठीक है। तो एंटर एनी स्ट्रिंग, इधर मैंने अपना नेम एंटर कर दिया पहले स्ट्रिंग में, दूसरे स्ट्रिंग में भी नेम एंटर कर दिया, और आंसर हमारे पास क्या है, बोथ स्ट्रिंग्स आर
इक्वल इन लेंथ। उसके बाद हम कोई डिफरेंट स्ट्रिंग एंटर करते हैं मोहम्मद और उमर, तो बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ बिकॉज मोहम्मद के जो स्पेलिंग्स हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू उमर। तो इस तरह से हम दो स्ट्रिंग्स जो हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड किया हमने? कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।